डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको व्यापार खाता तथा लाभानी खाते में अंतर बता रहा हूँ। क्या होता है व्यापार खाता और क्या होता है लाभानी खाता, तो देखते हैं। सबसे पहले व्यापार खाते की बात करते हैं, तो व्यापार खाते में सकल लाभ ज्ञात किया जाता है, जबकि लाभानी खाते में शुद्ध लाभ ज्ञात किया जाता है। व्यापार खाते में समस्त प्रत्यक्ष व्यय जो होते हैं उनका लेखा किया जाता है, जबकि लाभानी खाते में अप्रत्यक्ष व्यय जितने होते हैं उनका लेखा किया जाता है। व्यापार खाता हमारा जो होता है, व्यापार खाते में कारखाने से संबंधित समस्त व्यय को लिखते हैं। व्यापार खाते में कारखाने से संबंधित समस्त व्यय को लिखते हैं, जबकि लाभानी खाते में कार्यालय से संबंधित, कारखाने के बाद के जितने भी होते हैं, कार्यालय से संबंधित, विक्रय वितरण से संबंधित समस्त व्यय का लेखा किया जाता है, लाभानी खाते में किया। क्योंकि व्यापार खाते में प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, इसीलिए व्यापार खाते में माल खरीदने से लेकर माल गोदाम में लाने तक के समस्त व्यय का लेखा किया जाता है। इसमें प्रारंभिक रहतिया, क्रय, क्रय में से क्रय माइनस वापस, जो क्रय वापसी है उसे माइनस करके लिखेंगे। कारखाने के व्यय, लाइट, फैक्ट्री की लाइट, फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री मजदूरी, मशीन बहरास, तो कारखाने की कौन सब करे। जबकि लाभानी खाते में सारे प्रशासनिक व्यय, सारे वितरण व्यय, सब जो व्यापार खाते के बाद जितने भी खर्चे आते हैं उन सब करे। व्यापार खाता के बाद लाभानी खाता बनाया जाता है और लाभानी खाते के बाद आर्थिक चित्र बनाया। ये हमारे व्यापार खाता तथा लाभानी खाता में हमने आपको अंतर समझाया, ठीक है। कल नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।